अगर आप यूट्यूबर है तो ये गलती बिल्कुल ना करें। मनोज देव ने भी ये गलती की थी और उनका भी चैनल सस्पेंड हो गया है, तो वो अपने आप ही कह रहे हैं कि हमारा चैनल किस तरह से सस्पेंड हुआ, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, चैनल मनोज देव जिसपे 4 मिलियन पर सब्सक्राइबर है वो डिलीट होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ना, ये टेक चैनल का वीडियो है बट अपलोड ब्लॉग चैनल पर हो रहा है। इसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, फिलहाल अभी टेक चैनल पर 8-10 दिन वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो डिलीट हो गया मनोज भाई का, कमिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आई, चैनल भी डिलीट हो जाएगा 7 दिन बाद। अभी के टाइम में 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उनको सारे के सारे यूट्यूब के रूल्स पता है, बट अब वो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, उनका चैनल डिलीट होने वाला है। अगर चाहे कोई 1000 सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे कोई 100 मिलियन वाला, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो सबके लिए एक है। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मनोज भाई जी ने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट किया है कि फिलहाल ये वीडियो, दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये टेक चैनल का वीडियो है बट अपलोड ब्लॉग चैनल पर हो रहा है। इसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा कि क्यों हो रहा है, फिलहाल अभी टेक चैनल पर 8-10 दिन वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए वो चैनल है मनोज दे, देखिए तो इनके व्यू देखिए, ये देखिए सब्सक्राइबर देखिए इनके 4.51 मिलियन। तो इन्होंने देखिए लास्ट वीडियो डाला था, देखिए 4 दिन पहले, ये देखिए 4 दिन पहले लास्ट वीडियो डाला था, तो उसके बाद अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है। तो इनके चैनल को आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपका देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये 5 दिन पहले, ये 7 दिन पहले, ये 8 दिन पहले, तो इनकी डेली वीडियो आया करती थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए, ये देखिए डेली वीडियो आया करती थी, कभी कभार होता था एक दिन छोड़ के आती थी। यहाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे इनके 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इसमें कोई वीडियो नहीं डल रहा है। तो ये क्या कारण है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पूरा दिखा दिया है। तो आप लोग भी अगर यूट्यूबर है तो ये गलती ना करें, तो आपका चैनल भी सस्पेंड हो सकता है। तो अभी देखते आगे क्या होता है इनके चैनल के साथ, पर होगा कुछ नहीं, इनका चैनल फिर से ओपन हो जाएगा, जो स्ट्राइक है वो हट जाएगा 7 दिन के बाद, ये फिर इनकी नेक्स्ट वीडियो आएगी 7 दिन के बाद। तो आप लोग भी ये गलती ना करें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप यूट्यूबर है तो यूट्यूब में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको भी इन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।